नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के जिला लघु सचिवालय में पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री करण देव कंबोज ने जिला उपायुक्त के साथ मिलकर गरीब और रिक्शा चलाने वाले लोगों को रजाई और कम्बल बांटे। उन्होंने कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और जो लोग समर्थ हैं उन सबको लोगों की भलाई के कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्दी का मौसम है, ऐसे में जो गरीब लोग हैं और गर्म वस्त्र खरीदने में समर्थ नहीं रखते उनकी सहायता की जानी चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर जरूरतमंद और गरीब लोगों को गर्म कम्बल और रजाई दी जा रही है ताकि वे सर्दी से अपनी रक्षा कर सकें। कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को मास्क भी वितरित किए गए ताकि कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाई जा सके। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। मानव सेवा जो है ना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। नर सेवा नारायण सेवा होती है और जरूरतमंद लोगों को जब भी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है उन लोगों को, ऐसे सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोग बढ़ चढ़ करके जिस प्रकार से सहयोग करते हैं तो उसी के तहत अपने इस संगठन में गरीबों को, क्योंकि अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और जरूरतमंद लोगों को, जो गरीब लोग हैं झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, उनको रजाइयाँ और रिक्शा चालकों को जो है ना कम्बल बांटने का जो काम किया जा रहा है और कोरोना से बचे उसके लिए मास्क बांटने का काम किया जा रहा है, ये अपने आप में जो है एक बहुत अच्छा कार्य है और बहुत ही जो है समाज सेवा है। तो इस प्रकार के जो है ना कार्य निरंतर जो है ना चलते रहने चाहिए और समाज में ऐसे लोगों को जो है ना आगे आना चाहिए जो सामर्थ्यवान है और जरूरतमंद लोगों को जो है ना मदद करनी चाहिए। तो ये सबका दायित्व बढ़ा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।